हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समर स्पेशल रेसिपी, जिसको पीने के बाद बच्चे हो या बड़े सबका मन बहुत खुश हो जाएगा। और ये देखने में जितनी टेस्टी लग रही है, बनाने में इसे उससे भी ज़्यादा आसान है। चलिए अब हम हमारी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, उसमें दूध डालेंगे। दूध मैंने 1.5 गिलास लिया है और उस दूध को अच्छे से गर्म होने देंगे उबाल आने तक। ये देखिए हमारे दूध में अब उबाल आ चुका है। अब हम एक कटोरी लेंगे, कटोरी में 1 से 1.5 चम्मच दूध को निकाल लेंगे और इस दूध को थोड़ा ठंडा करके इसमें 2 चम्मच वेनिला कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। मैंने वेनिला फ्लेवर लिया है, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। अब इस कस्टर्ड को दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा इसमें कोई लम्स ना रहे, इसलिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ये मिक्स हो जाता है, उसके बाद हम दूध को चलाते हुए इसमें थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड मिल्क जो हमने बनाया था उसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और दूध में अच्छे से मिक्स करते हुए दूध को अच्छे से पकने देंगे। इसी के साथ हम 2 चम्मच इसमें चीनी डालेंगे और चीनी को दूध में अच्छे से मिक्स करते हुए इसको पकने देंगे। ये देखिए हमारा कस्टर्ड मिल्क अब अच्छे से पक चुका है और देखिएगा दूध पहले से गाढ़ा भी हो चुका है। तो हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि हम एक ड्रिंक बना रहे हैं। अब ये रेडी है तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे गैस से हटा लेंगे और इसे बाहर ठंडा होने के लिए रख देंगे। मुझे ये जल्दी ठंडा करना था, इसलिए मैं इसमें आइस क्यूब डाल रही हूँ। अगर आपको जल्दी ना हो तो आप इसको फ्रिज में रख कर भी ठंडा कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा जल्दी हो तो आधे घंटे के लिए आप इसको फ्रीजर में रख दीजिए, जिससे ये और जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये देखिए हमारा कस्टर्ड मिल्क ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें फ्रूट्स डालेंगे। फ्रूट्स आप कोई से भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अनार के कुछ दाने लिए हैं, अंगूर को कट करके और आम को भी कट करके डाला है। अब ये देखिए फ्रेंड्स हमारा कस्टर्ड मिल्क रेडी हो चुका है। अब आप इसको ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं। एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको पीने के बाद आपका मन बहुत खुश हो जाएगा। अब हम इसको सर्व करते हैं। तो सर्व करने के लिए हम एक ग्लास लेंगे, उसमें आइस क्यूब्स डालेंगे और उसी के साथ अनार के कुछ दाने, अंगूर और आम के पीसेस डालेंगे। अब हम ग्लास में हमने जो फ्रूट कस्टर्ड मिल्क रेडी किया था उसे डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है, तो सोचिए पीने में तो कितना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और ये ठंडा ठंडा है, जो अपने जो कस्टर्ड मिल्क बनाया था वो ठंडा ठंडा है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और इसी के साथ जो इसमें फ्रूट्स डाले वो आपको एक बहुत फ्रेशनेस फील कराएंगे। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गेस्ट वगैरह जो भी कोई आए उन्हें भी एक बार ज़रूर पिला के देखिएगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इसमें थोड़े से ऊपर से अनार के दाने डाल देंगे और इसी के साथ ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट करके रख रखे थे, बादाम और पिस्ता, उन्हें डाल देंगे, जिससे ये ऊपर से देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारा फ्रूट कस्टर्ड मिल्क रेडी है। अब आप इसे ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो, मेरी रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं रेसिपी आते हैं आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए।